नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या कोई दूर बैठे भी ब्लैक मैजिक या काला जादू आपके ऊपर कर सकता है। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, और दोस्तों बहुत लोग इस चीज़ को फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि सामने वाला इंसान आपके पास नहीं आया, पर उसने दूर से ही कोई चीज़ ऐसी छोड़ दी जिससे आपका काम बिगड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, हाँ, दूर से भी ब्लैक मैजिक करना संभव होता है। हालांकि ये उतना इंटेंसिटी से काम करता है कि नहीं, ये ब्लैक मैजिक पर डिपेंड करता है और करने वाले पर डिपेंड करता है। हालांकि इस तरीके से मारण क्रियाएं भेजी जाती हैं जो सामने व्यक्ति उपस्थित ना होते हुए भी दूर बैठे भेज देता है। इसमें चाहे वो फिर किसी तस्वीर का सहारा ले, ये जनरली आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम बता के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक छोड़े, या आपके घर का एड्रेस बता के ब्लैक मैजिक छोड़े कि इस फलाना जगह पे हमें नेगेटिविटी भेजनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं और दूसरों के यहाँ पे इस तरीके की मारण क्रिया या ब्लैक मैजिक छोड़ते हैं। जनरली दूर बैठे ब्लैक मैजिक भी मारण क्रिया के लिए ही जनरली करे जाते हैं, ताकि सामने वाला बंदा उपस्थित नहीं है तो किसी पे डाउट भी नहीं गया और इस तरीके की नेगेटिविटी को अंजाम दे दिया गया। अक्सर जब इस तरीके के दूर बैठे ब्लैक मैजिक होते हैं तो चौतरफा असर देखने को मिलता है। घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि लोगों की डेथ कॉज तक हो जाती है। बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि समझ नहीं आती, कोई अनहोनी हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, और अक्सर एक कनेक्शन सामने वाला जोड़े रखता है, कैसे, थ्रू एनी म्यूचुअल फ्रेंड, थ्रू एनी अदर पर्सन, कि वो फ़ोन पे आपसे आपका हाल चाल पूछ रहा है या फ़ोन पे जानने का प्रयास कर रहा है कि आप ठीक हो कि नहीं, या किसी और के थ्रू जानने का प्रयास कर रहा है। या सपोज़ कोई इंसान कुछ महीनों पहले आपके यहाँ होके गया था, उसने आपके घर का आपका सबका जायज़ा ले लिया, उसके बाद उसने ब्लैक मैजिक किया, या कोई उसके पास आपकी वस्तु पड़ी थी, आपका बाल का टुकड़ा हो गया, इट कैन बी एनी क्लोथ हो गया, कोई कपड़ा हो गया आपका, कोई आपका इस्तेमाल किया हुआ झूठा कप हो गया चाय का, या कोई आपका खाया हुआ फल हो गया, आपने आधा छोड़ रखा हो, या खाए हुए कोई आपका वैसे भोजन हो गया, लोग अक्सर प्लेट में छोड़ देते हैं, या अन्य कोई आपसे बिलोंग होती हुई वस्तु हो गई, तो उसका भी इस्तेमाल करके लोग ब्लैक मैजिक कर लेते हैं। तो उसमें अगर वो आपके दूर भी बैठा है तो भी आपकी उस वस्तु के माध्यम से जो आपके शरीर को स्पर्श कर चुकी है, या आपके शरीर का बाल है, वो उसके माध्यम से कितना ही वो दूर बैठा वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। यहाँ तक कि लोग घर की मिट्टी ले जाते हैं, घर की कोई ना कोई ऐसी प्रिय वस्तु ले जाते हैं जिसका इस्तेमाल हर घर के जन करते हैं, जिसपे हर एक की ऊर्जाओं का असर हुआ हुआ होता है, स्पर्श हुआ हुआ होता है, उसके माध्यम से भी दूर बैठे ब्लैक मैजिक कर देते हैं। अक्सर लोग ब्लैक मैजिक दूर बैठे मारण क्रिया के लिए ज़्यादा करते हैं, गरीबी लाने के लिए, आर्थिक तंगी के लिए भी करते हैं, धंधा चौपट करने के लिए भी करते हैं, बीमारी पैदा करने के लिए भी करते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे बहुत ही जो लोग इस क्रिया में निपुण होते हैं उनके द्वारा ही ये क्रिया की जा सकती है, क्योंकि दूर बैठे जब की जा रही है तो। और ऐसी दूर बैठे किए हुए ब्लैक मैजिक्स में हमेशा नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जिन का इस्तेमाल इनमें होता है, क्योंकि इनमें ये शक्ति होती है कि ये कितने ही दूर का सफ़र तय करके उस इंसान के पास जा सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उस इंसान को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी फैमिली को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अक्सर जो लोग इस तरीके की चीज़ें सेकते हैं और इस तरीके के कार्य करते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए भी कार्य करते हैं पैसों के लिए, तो ऐसे लोगों के यहाँ बहुत लोग आते हैं, क्रूकेड माइंडसेट के, मीन माइंडसेट के पापी लोग, जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे के जीवन में परेशानियां पैदा करने के लिए, दूसरे के यहाँ मौत करने के लिए इस तरीके के दूर बैठे ब्लैक मैजिक्स को अंजाम देते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत
वक्त से ये चीज़ें चली आ रही हैं, और लोग अक्सर इस तरीके की चीज़ों को इसलिए अंजाम ज़्यादा देते हैं कि ताकि आपका शक भी उन पे नहीं गया और आप यही सोचते रह गए कि कौन है हमारा वो दुश्मन जिसके कारण हमारे को ये चीज़ हो रही है और पता भी नहीं पड़ा। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है, किसी ना किसी से लड़ाई या अनबन ज़रूर हुई होती है, किसी ना किसी से मनमुटाव ज़रूर चल रहा होता है। छोटे से छोटी लड़ाई को, छोटे से छोटे मनमुटाव को, बड़ी से बड़ी लड़ाई को, बड़ी से बड़ी अनबन को, हर एक चीज़ का संज्ञान लें, कहे हुए शब्दों का संज्ञान लें, हर चीज़ को नोट डाउन करें, सोचें इन चीज़ों को, उनकी रेलिवेंसी कनेक्ट करने का प्रयास करें कि देखो फलाना ने ये कहा था उसके इतने टाइम बाद ये हुआ, या उसने कहा था तो हुआ, या उस दिन की वो लड़ाई के बाद से हो रहा है, या उस दिन ऑफिस में जो हुआ उसके बाद से हो रहा है, या हम पर्टिकुलर जगह पे गए उसके बाद से हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को पिन पॉइंट लिखना शुरू करें, मैच करना शुरू करें और चीज़ों को समझना शुरू करें, तभी आप अपने विरोधी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे अपने दुश्मनों को कि कौन चुपचाप आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, काले जादू कर रहे हैं, चाहे मिलके, चाहे पास आके, चाहे दूर बैठ के। बाकी अब इसकी काट कैसे करें, दोस्तों जो दूर बैठा इंसान होता है अगर वो नज़र नहीं आ रहा, उसका पता नहीं चल रहा, तो भी हमारा मेन मकसद ये रहना चाहिए कि हम उस छोड़े हुए ब्लैक मैजिक को काट दें और अपना डिफेंस करें। हमारी डिफेंस हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, यानी कि खुद का बचाव करना। वो आप कर सकते हैं, आप तुरंत मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, घर में जलानी शुरू कीजिए, तो नेगेटिविटी का असर घटना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा बीमार पड़ता जा रहा है या उस पर मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहे हैं उस काले जादू के कारण, तो आप उसके उतारे कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल से। जितने ज़्यादा आप उतारे कर सकते हैं करिए, रोज़ दो दो तीन तीन नारियल के उतारे कीजिए जो हम भेजेंगे आपके पास, और रोज़ आप जब उतारे करेंगे और उतारे करके उस नारियल को हवन कुंड में जलाएंगे अपने घर के ओपन एरिया में, तो बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा काला जादू उनके ऊपर से हट जाएगा, वो नेगेटिविटी हटनी शुरू हो जाएगी। तो जिसने भी भेजा है उसको अपने आप पता लग जाएगा कि तुम कितना ही सितम कर लो, सामने वाले को नहीं होगा कुछ भी, आपका बचाव होता रहेगा। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी पहन सकते हैं, सभी मेम्बर्स को लॉकेट पहना सकते हैं, कवच पहना सकते हैं, सभी की रक्षा होती रहेगी। फिर आपके विरोधी कितना ही प्रयास कर लें, आसानी से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बस ये है, सतर्क रहें, सजग रहें, घर में सीसीटीवी लगवाएं, मेन गेट पे सीसीटीवी लगवाएं, किसी का दिया खाएं ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें अपने दुश्मनों पे। कोई हृदय परिवर्तन करके भी आए तो भी थोड़ा सा डाउट करके ही चलेंगे तो बचे रहेंगे। तो अगर आप किसी भी तरीके से संकट में हैं, काले जादू के शिकार हैं, आपके परिवार के जन या आप लोग काम नहीं बनते, झगड़े रहते हैं, बीमारी रहती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहे हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलाइए या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण करें और क्रिया वाले नारियल मंगवा के उतारे ज़रूर करें। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।